94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज। Thank you.
बड़ा मुश्किल है, पासा बैठे होंगे। माशाल्लाह आप समझदार हैं। बहुत शानदार सुनवाइये हैं, आपको गवैये तो अच्छे हैं ही हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन आप लोग इतने बाकमाल लोग हैं कि आपको पता है कि कहाँ पे दाद बनती है और कहाँ पे दाद देना है, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ ही इसी बात के साथ मुझे एक दफा फिर शुक्रिया अदा करना है लाहौर आर्ट्स काउंसिल का और जनाब जुल्फिकार अली जुल्फी का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने ये खूबसूरत सी शाम एक दफा फिर आपके लिए मैनेज की। कल भी हमारा आपका साथ था, आज भी ये साथ है, और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह चंद दिनों में अभी अल्हम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल जो है वो कुछ एक ड्रामा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, उसकी भी एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद कुछ हमारे पास फोक म्यूज़िक के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, और उसके अलावा भी जैसे जुल्फिकार जुल्फी साहब ने आपसे कहा कि हम मैनेज करते रहेंगे प्रोग्राम्स, और आपसे ये वादा भी लेना है कि आप इसी तरह मोहब्बत के साथ यहाँ पर आते भी रहेंगे। अगर आप ये वादा कर रहे हैं तो फिर आप एक क्लैप कीजिए ताकि जुल्फी साहब प्रोग्राम अगला भी मैनेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मुझे साहब तीनों साथ कहते हैं कि अच्छा होना ज़रा मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी तपस्या, बड़ी सेवा और बड़ी रियाजत की ज़रूरत होती है, फिर कहीं जाकर लोग हमें अच्छा कहते हैं। और ज़्यादा अच्छा होना उतना ही मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर अगर आप फनकार हैं तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत ज़्यादा की होगी। इसलिए कि मौसीकी में कहते हैं कि जब तक सारे सुर सच्चे और सुच्चे न लगें गले में नूर नहीं आता, दिल के सब जख्म लौ ना दें तो हरफों में रोशनी नहीं आती। बहुत कम फनकार हरफों में रोशनी डालना जानते हैं, इसलिए कि फनकार फ़न के बजाय अपनी आत्मीयत के हवाले से जाना और पहचाना जाता है, और उसका फ़न जो होता है वो मुश्तरका इलामिया होता है कायनात और कायनात में बसने वालों के दरमियान। ख़वातीनों साथ हम खुशबख्त हैं कि हमारे दरमियान मेहदी हसन खान साहब रहे, खान साहब हमारे थे और हमारे हैं, इसलिए
उनकी खुशबू कभी कभी हमें इधर उधर से आ जाती है, लेकिन ये शख्स जो भी आपके सामने अपनी मौसीकी के साथ आएंगे, इनका कमाल ये है कि इन्होंने फिल्म में भी गाया, इन्होंने मिली तराने भी गाए, इन्होंने पंजाबी गाने भी गाए और इन्होंने गजल भी बड़ी बा कमाल गाई। इनके साथ एक और जो खास बात मुंसलिक हुई वो यूँ थी कि ये खान साहब मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द भी हैं और खान साहब मेहदी हसन खान साहब के उस्ताद भाई भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान साहब से सीखा और गुलाम अब्बास ने भी उन्हीं से सीखा और फिर मेहदी हसन खान साहब से भी इन्होंने सीखा। तमगा इम्तियाज से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से और हमें फख्र है कि ये हमारे अपने हैं। मुझे यकीन है कि आप सुनवाइयों को अभी बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने तो उनसे अपनी फरमाइश कर दी है, असलम अंसारी का एक कलाम है कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, और इसी तरह की बहुत शानदार गजलें लेकर आ रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी वाली तालियां होंगी तो उन्हें गाना बहुत अच्छा लगेगा। मजल साहब अतीन साहब, बहुत सारी मोहब्बत के साथ वेलकम कीजिएगा जनाब गुलाम अब्बास। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाइन्टी फोर न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।